हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बिम्बी सारा तो बिम्बी सारा फिल्म का जो हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये जो वर्जनस है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे कौन से हिंदी वर्जन के सेटेलाइट चैनल के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी उसकी भी जानकारी देंगे साथ ही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर्टी टेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा करके देने वाला हूँ साथ ही इस का, का, परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं बिम्बी सारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम केरवानी जी ने मिलकर कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरिन त्रेसा प्रिंसेस इरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है अयपापी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनाकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे पर तनिकला ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेट कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चंपक चंद्रा चंदुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हिस हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूटी डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदम्य कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और कोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जग देखा विनोनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी की हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवास रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो कहानी हो बिबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बीसी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट है उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसके फिल्म का जो बिबिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफ़ी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नज़र आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन से भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्णा स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग से वो एम एम केरवानी जी ने कंपोज किए हुए जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास करवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कुला नीतो उन्टे चलो विजा हो बिमिसारा रेप सॉन्ग और वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियल वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ़ अपने में खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मेक कौर किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंह रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो नॉच ने नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ उनका अप्रोच काफी था जहाँ पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिल तारीफ एम एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन से एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केत्रिन त्रेशा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगे जिनका काम काफी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहां पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेब्लिस हुआ था वो सुपअप था जिस तरह से बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफेक्स में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा Second, आपको थोड़ा सेंसिबल तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहाँ पे ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला की शोर ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को नेरेट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफी सारी चीजें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार एस्टेब्लिश किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफ़ी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पर पे काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नज़र आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन देखने को मिलती है जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें एंटरटेन है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी एक पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाय डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीज़ें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफ का यूज़ हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और भी फिल्म का काफी बढ़िया हाँ नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म, फिल्म है जिसका बेक काफी सोलिड है, है। कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते है जो उन सभी आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में ने करते हुए। फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे फिल्म का बजट चालीस करोड़ था और इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ पांच अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ तक

को मिलेगी जी फाइव के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म में कल्याण राम का वॉइस ओवर किया हुआ है है डबिंग फिल्म की अच्छी है, आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जी फाइव के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगू मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करी तो जी सिनेमर्जी सिनेमा, सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिम्बीसारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे बिम्बीसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहां पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी फिल्म थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म ये साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम केवानी ने कम्पोज़ किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम किरवानी जी ने मिलकर कम्पोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते थे इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तब हम स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरीन त्रेशा प्रिंसेस ईरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है पी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे तनिकेला भरा ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेनिट कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चंपक चंद्रा चंदू और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हिस हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूडीन डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंद कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एनटीआर टी आर महाना के खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और फोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जग देखा विनूनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी किए हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पे वहीं पे कैथरीन त्रेसा संयुक्ता मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल था बिब्बी उसको मई दो में रिलीज किया गया था बाहर रखा हुआ था अनवील किया गया था वहीं पर इस फिल्म के डायरेक्टर वशिष्ठ ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी है वो बिम्बिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट से उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसके फिल्म का जो बेमिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफ़ी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नज़र आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन से भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी 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 वन में, में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्णा स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग ंग से वो एम एम केवानी जी ने कंपोज किए हुए जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास गरवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कूला नीतो ऊन चलो विजा हो बिमिस रेप सॉन्ग और गुले बाघ वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहाँ से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिबिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पर जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म कल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मैं किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंग रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो नेगेटिव टच किरदार में उन्होंने डाला हुआ था वो था वो वो परफेक्ट उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें टॉप नॉच ने नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिल तारीफ एम एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका स्कोर फिल्म को काफी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन सीन से एलिवेट हो रहे थे, रहे थे थे वो को और बेहतर बना इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगे जिनका काम काफी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहाँ पे वो हमें ऑडियंस को आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेब्लिट हुआ था था वो था। जिस तरह से बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे में में भी काम बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा सेकंड आपको थोड़ा तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहाँ पे ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला की ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को एडिट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफ़ी सारी चीज़ें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीजें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पे काफी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीजें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती जो कैमरा वर्क था वो काफी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफेक्स है बजट के हिसाब से काफी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें इंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नज़र आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी ये पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास्ट में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाई डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीज़ें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफ का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और ड्रामा भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म का जो इंटेंसल हमें देखने को मिलता है माहौल वो भी अच्छा था ओवरऑल भी भी सारा एक वेल मेड फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसका बैकड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है साथ ही में इंटरटेनमेंट भी काफ़ी भरपूर वे में मिलता है कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते हैं जो उन सभी पेची को आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से इस फिल्म में नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म तैयार होकर निकली है जिसे जरूर देखना चाहिए बिंबी सारा फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में मेकर्स ने फैसला कैंसिल करते हुए फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पर फिल्म का बजट चालीस करोड़ था और इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ पांच अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़

को मिलेगी जी फाइव के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन्स को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म कल्याण राम का वॉइस ओवर किया हुआ है डबिंग फिल्म की अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जीफाइव के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के 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 साथ फिल्म के सैटेलाइट ऊपर के बातचीत करी तो जी सीनेमा जी सिनेमा, सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिंबिसारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे बिंबिसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहां इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी फिल्म थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज़ किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम जी ने मिलकर कंपोज किए हुए थे जहाँ पर इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरीन त्रेशा प्रिंसेस ईरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है अयपापी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था तो साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे भरा ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेन कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चंपक चंद्रा चंदुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर वरीना हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूड इंड डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदमोरी कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना के कड़ोपति खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और फोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जगदेखा विनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन टी आर आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी किए हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो हज़ार बीस में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर एटीन रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेशा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवासा रेड्डी को इस कुछ थे। फिल्म का जो टाइटल था, उसको ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी हो बिबी सरा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ इसके फिल्म का जो बिमिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफ़ी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौनसेप्ट भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी 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 वन में, में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्णा स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग ंग से वो एम एम केवानी जी ने कंपोज किए हुए जहां पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छ गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास गरवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कुला नीतो ऊन चलो विजा हो बिमि सारा रेप सॉन्ग और गुले बाग वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पर जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म कल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मेक मेकओवर किया हुआ था जिस तरह से एक मैनेसिंग रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो सॉलिड नेगेटिव टच के दर में उन्होंने डाला हुआ था वो परफेक्ट था उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो टॉप नॉच पे नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहां पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ उसकी है उसकी काबिल तारीफ़ है एम एम किवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन्स एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केतरी त्रेसा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगी जिनका काम काफी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहाँ पर वो हमें ऑडियंस को अच्छा से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेबलिस किया हुआ था वो सुपर था जिस तरह से बाद में सेकेंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफ एक्स में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा सेकंड आपको थोड़ा तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहाँ पे ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला की ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को एडिट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफ़ी सारी चीज़ें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार स्टेबलिश किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफ़ी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें आपको फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहाँ पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफेक्स है बजट के हिसाब से काफी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें इंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नज़र आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी ये पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाई डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीज़ें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफेक्स का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और ड्रामा भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म का जो इंटेंसल हमें देखने को मिलता है माहौल वो भी अच्छा था ओवरऑल बिम्बी सारा एक वेल मेड ड्रामा फिल्म है जिसका वेक है जिसका काफ़ी ज़्यादा साथ ही में हीटेनमेंट भी काफ़ी भरपूर वे में मिलता है कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते हैं जो उन सभी

बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डबल ब्लॉक साबित हुई थी और इस फिल्म को आईएमडी पे भी करीबन सात हजार वोट मिले हुए थे जिसमें छ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट से वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी पांचों वर्जन के लिए फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजिटली बिल्कुल फ्री में भी थी सब टाइटलिप्सन देख देखने को मिलेगी जी फाइव के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म में कल्याण राम का वॉइस ओवर किया हुआ है डबिंग फिल्म की अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जीफाईफ के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के 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 साथ फिल्म के सैटेलाइट ऊपर के बातचीत करी तो जी एच डी चैनल के ऊपर बिंबिसारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे बिंबिसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स है वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी फिल्म उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है, उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म ये साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम केरवानी ने कंपोज किया हुआ था वहीं पे जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम किरवानी जी ने मिलकर कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तब हम स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए है इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरीन त्रेशा प्रिंसेस इरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म ब्रह्मा का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है पी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे तनिकेला ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेनिट कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ चंपक चंद्रा चंदू और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हिस हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूटी डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदा कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना के कड़ोपति ख़त्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और फोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जगदेका विनोनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी किए हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल था, ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी है बिंबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट के कैरेक्टर में डाला हुआ है फिल्म का जो बिम्बिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रेवल कौनसेप्ट भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी 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 वन में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग से वो एम एम जी ने कंपोज किया हुआ जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास गरवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कूला नीतो उन्टे चलो विजा हो सारा रेप सॉन्ग और गुलवा वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पर जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मैं किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंग रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो नेगेटिव टच में उन्होंने डाला हुआ था वो था वो परफेक्ट उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें टॉप नॉच ने नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिल तारीफ एम एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से 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 म्यूजिक की वजह सीन सीन एलिवेट हो रहे थे वो को और बेहतर बना रहे थे केतरी त्रेशा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगे जिनका काम काफी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहां पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेबलिंग क्या हुआ था वो सुपअप था जिस तरह से बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे में में भी काम बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा सेकंड आपको थोड़ा सेंसिबल तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहां पर ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला किशोर ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को नेरेट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफी सारी चीजें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीजें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पर पे काफी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीजें आपको फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है जो कैमरा वर्क था वो काफी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें इंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी ये पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाई डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने स्टेब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीज़ें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफेक्स का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और ड्रामा भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म का काफ़ी है। साथ ही में, भी काफ़ी में मिलता है कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते हैं जो उन सभी

बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीतारम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़

को मिलेगी जी-फाइव के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जनस में जहाँ पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म में कल्याण राम का वॉइस ओवर किया हुआ है डबिंग फिल्म की अच्छी है आपको ज़रूर मज़ा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जी फाइव के ऊपर अम्बिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन्स में जहाँ पर तेलुगु मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो जी सिनेमा और जी एच डी चैनल के ऊपर सारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलगू तमिल कन्डा मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे सारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी फिल्म थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज़ किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम जी ने मिलकर कंपोज किए हुए थे जहाँ पर इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तब हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरीन त्रेसा प्रिंसेस ईरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयांति का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसादम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है अयपापी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनाकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे पर तनिकला ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेन कॉम्पेनियंट के रोल में दिखाया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया है चंपक चंद्रा चंदुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर वरीना हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूड डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदमोरी कल्याण राम को राम कॉपरोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एनटीआर टी आर महाना के कड़ोपति खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहां पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और कोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जगदेखा विनोनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी किए हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा मेनन किशोर और श्रीनिवास रेड्डी को इस फिल्म, इस, फिल्म इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे जो कहानी है बिम्बिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट है उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ इसके फिल्म का जो बिम्मारी का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन से भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी 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 वन में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग ंग से वो एम एम केवानी जी ने कंपोज किए हुए जहां पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास करवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कला नीतो ऊन चलो विजय हो बिमिस रेप सॉन्ग और गुले बाघवा लेकर के एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहाँ से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मेकओवर किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंग रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो सोलिड नेगेटिव टच किरदार में उन्होंने डाला हुआ था वो परफेक्ट था उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो टॉप नॉच पे नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहां पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ उसकी है उसकी काबिल तारीफ़ है एम एम किवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन से एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केत्रिं त्रेशा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगे जिनका काम काफ़ी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहाँ पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेबलिश किया हुआ था वो सुपर था जिस तरह से बाद में सेकेंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफ में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा सेकंड आपको थोड़ा तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहाँ पे ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला की शो ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को एडिट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफी सारी चीज़ें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीजें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पे काफी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीजें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें इंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी ये पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाई डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने किया हुआ है उसके बाद में एक एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीजें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफ का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और ड्रामा भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म, फिल्म है जिसका वेक काफ़ी है। साथ ही में, में कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा ग्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते है जो उन सभी को आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से इस फिल्म में नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म तैयार होके निकली है जिसे जरूर देखना चाहिए बिम्बिसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी फिल्म थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम केरवानी जी ने मिलकर कम्पोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरिन त्रेशा प्रिंसेस इरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयंती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म, Means, ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है अयपापी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनाकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था, था। वहीं पे पर भरा ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वैवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेन कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पर भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चंपक चंद्रा चंदुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर वरीना हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पर काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूड डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदमरी कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना के खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और कोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जगदेखा विनोनू कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी किए हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवास रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल था सारा, उसको मई बिम्बिस में रिलीज किया गया था बाहर पर रखा हुआ था अनवील किया गया था वहीं पर डायरेक्टर वशिष्ठ ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी वो बिंबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट है उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसके फिल्म का जो बिम्बिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफ़ी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पे भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पे लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रेवल कौनसेप्ट भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी 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 वन में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग से वो एम एम जी ने कंपोज किए हुए जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास करवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कूला नीतो ऊन चलो विजय हो सारा रेप सॉन्ग और गुले बाग वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से एन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ़ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मैं किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंह रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो सोलिड नेगेटिव टच के डर में उन्होंने डाला हुआ था वो परफेक्ट था उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो टॉप नॉच पे नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहां पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिल तारीफ़ है एम एम किवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूज़िक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन्स एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केतने त्रेसा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगी जिनका काम काफ़ी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहाँ पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को इस्टेब्लिस किया हुआ था वो सुपर था जिस तरह से बाद में सेकेंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफ एक्स में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा सेकंड आपको थोड़ा तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहाँ पे ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला की शो ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को नेरेट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिविल होता है तो सा, काफी सारी चीजें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते सकते थे थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे, जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ उसको काफी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीजें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पे काफी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीजें आपको फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलते जो कैमरा वर्क था वो काफी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आई कि फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफेक्स है बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें इंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी ये पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास्ट में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नज़र आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाई डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीजें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफेक्स का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म काफी सोलिड है, अच्छा भी भी है।, है। कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते है जो उन सभी को आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से इस फिल्म में नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म तैयार होके निकली है जिसे जरूर देखना चाहिए बिम्बिसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है, उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो गाने हैं वो चिरंतन भट्ट और एम एम जी ने मिलकर कम्पोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरिन त्रेशा प्रिंसेस इरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयंती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म

चंद दुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर वरीना हुसैन ने गुलबाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पर काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पर बताया गया था कि डेब्यूड डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदमोरी कल्याण राम को राम कॉपरोज किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एनटीआर टी आर महाना के कड़ोपति खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहां पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और कोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जग देखा विनूनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी किए हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल कहानी वो बिबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बीसी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसको हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसके फिल्म का जो बिबिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में, में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्णा स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग ंग से वो एम एम केवानी जी ने कंपोज किए हुए है जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छ गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास गरवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कला नीतो ऊन चलो विजय हो बिमिस रेप सॉन्ग और गुलवा वाली करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छे गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मैं किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंग रुथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो नेगेटिव टच किरदार में उन्होंने डाला हुआ था वो था वो वो परफेक्ट उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें टॉप नॉच ने नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिलियत तारीफ है एम एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन से एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केतरी त्रेशा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगे जिनका काम काफी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहां पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेबलिस क्या हुआ था वो सुपअप था जिस तरह से बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई हैं किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफेक्स में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा सेकंड आपको थोड़ा सेंसिबल तरीके से फिल्म में हैंडल किया हुआ है जहाँ पे ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला किशो ने कि सोने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को नेरेट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफी सारी चीजें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार एस्टेब्लिश किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफ़ी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पर पे काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन देखने को मिलती है जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफेक्स है बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें एंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी एक पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाय डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीजें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफ का यूज हुआ है वढ़िया है इमोशनल सीन्स और ड्रामा भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म का जो इंटेंसल हमें देखने को मिलता है माहौल वो भी अच्छा था ओवरऑल सारा एक वेल मेड फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसका वेक है जिसका काफ़ी ज़्यादा साथ ही में हीटेनमेंट भी काफ़ी भरपूर वे में मिलता है कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते हैं जो उन सभी

बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ तक

देखने को मिलेगी जीफाई के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन्स को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म में कल्याण राम का अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जीफाइफ के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगू मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सैटेलाइट के ऊपर बातचीत चैनल के ऊपर बिंबिसारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे बिम्बिसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग्स है वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की ये सबसे महंगी थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम जी ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरिन त्रेशा प्रिंसेस इरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयंती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेरा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है पी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे तनिकेला ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेनिट के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ चंपक चंद्रा चंदुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज आइटम गर्ल के तौर पर काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेविड इन डायरेक्टर मालिदी वसंत एक फिल्म को लेकर नंदमोरी कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और कोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जग देखा विनोनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी की हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल था था उसको मई में रिलीज किया गया था, बाहर रखा हुआ था अनवील किया गया था वहीं पे इस फिल्म के डायरेक्टर वशिष्ठ ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी वो बिबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसके के फिल्म का जो बिमिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में, में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग ंग से वो एम एम केवानी जी ने कंपोज किए हुए है जहाँ पे सॉन्ग में चिरतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छ गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास गरवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कला नीतो ऊन चलो विजय हो बिमिस रेप सॉन्ग और गुलवा लेकर करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छ गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ़ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मेक कौर किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सेंग ग्रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो सोलिड नेगेटिव टच के किरदार में उन्होंने डाला हुआ था वो परफेक्ट था उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो टॉप नॉच पे नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहां पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिलिय तारीफ़ है एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन्स एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केतरे त्रेसा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगी जिनका काम काफ़ी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहाँ पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ़ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेब्लिश किया हुआ था वो सुपअप था जिस तरह से बाद में सेकेंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है किंग्स के लैंड के आसपास प्रजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिस और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक का बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफेक्स में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा

के अलावा जो किरदार किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में रिलेट कर पाता और, और मेन विलन का दिखाया हुआ है उसको काफी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पर काफी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नज़र आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन देखने को मिलते जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए हैं और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन की गई वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें एंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी एक पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाय डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने किया हुआ है उसके बाद बाद में एक के बाद एक के जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीजें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफेक्स का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह वो भी मिलता है कल्याम राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीस देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते है जो उन सभी स को आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से इस फिल्म में नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है और और ये एक अच्छी खासी फिल्म तैयार होकर निकली है जिसे जरूर देखना चाहिए बिंबी सारा फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में मेकर्स ने फैसला कैंसिल करते हुए फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पर फिल्म का बजट चालीस करोड़ था और इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ पांच अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म में काफी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पे डबल साबित हुई थी और इस फिल्म को आईएमडी भी हजार वोट मिले हुए थे जिसमें छह पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस धमाका मचाने में कामयाब रही थी इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी पांचों वर्जन के लिए फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजिटली बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन को मिलेगी जी फाइव के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन्स को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में में संकेत जी ने इस फिल्म कल्याण राम की अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जीफाइफ के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगू मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करी तो Zee Cinema Zee Cinema HD चैनल के ऊपर बिम्बीसारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे बिम्बीसारा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम केरवानी जी ने मिलकर कंपोज़ किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरें त्रेशा प्रिंसेस इरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयंती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेडा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है पी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था तो साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे तनिकेला भरा ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेनिट कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ चंपक चंद्रा चंदू और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हिस हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिदीप वसंत एक फिल्म को लेकर नंद मोर्य कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर के खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और कोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जगदेखा विनोनू कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन टी आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी की हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर केथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवास रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल था सारा, उसको मई बिम्बिस में रिलीज किया गया था बाहर रखा हुआ था अनवील किया गया था वहीं पर डायरेक्टर वशिष्ठ ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी वो बिबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसके फिल्म का जो बिबिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफ़ी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नज़र आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन से भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग से वो एम एम जी ने कंपोज किए हुआ है जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास करवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कुला नीतो ऊन चलो विजा हो सारा रेप सॉन्ग और गुले बाग वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियल वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रेजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म कल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है का जिस तरह से मेकअर किया हुआ था जिस तरह से रोल प्ले किया हुआ था परफेक्ट था डायलॉग डिलीवरी करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज़ किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है उसकी काबिलियम एम कि

में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेबलिश किया हुआ था वो सुपअप था जिस तरह से बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए हैं किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीजें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से एक इमोशन डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे में में भी काम बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा थोड़ा तरीके तरीके से से फिल्म में हैंडल किया हुआ है ऑडियंस काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है वेनेला किशोर ने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही में प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को नेरेट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट रिवील होता है तो सा, काफी सारी चीजें स्लो नजर आने लगती है फिल्म में कल्याण राम के अलावा जो किरदार इस्टैब्लिश किया हुआ है उसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे उसमें एक डेप्थ ला सकते थे जिस वजह से फिल्म का जो ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ है उसको काफ़ी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पर पे काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन देखने को मिलते जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहाँ पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें एंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी एक पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास्ट में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाय डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीजें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफ का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह वो भी, अच्छा भी, भी, भी कल्याण राम ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते है जो उन सभी

बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रामम तेलुगु फिल्मों में पहले पहले इस दो फिल्मों से जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पर बिंबी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ हुए थे में की रेटिंग हासिल हुए थी दस में से और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते धमाका मचाने में कामयाब रही थी इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी पांचों वर्जन के लिए फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजिटली बिल्कुल फ्री में विथिंग सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स देखने को मिलेगी जीफाइफ के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन्स को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म कल्याण राम किया हुआ है डबिंग फिल्म की अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जी फाइव के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करी तो जी सिनेमा और जी सिनेमा चैनल के ऊपर बिम्बी सारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को ओ और सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे बिम्बी जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी आर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की सबसे महंगी थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम केरवानी ने कंपोज़ किया हुआ था वहीं पर जो गाने हैं वो चिरंतन भट्ट और एम एम जी ने मिलकर कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिम्बिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरिन त्रेशा प्रिंसेस ईरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयंती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेरा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है आप पी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे तनिकेला ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वैवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेनिट कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चंपक चंद्रा चंदुसाई और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हिस हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि एंड डायरेक्टर मालिदीप वसंत एक फिल्म को लेकर नंदमोरी कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और फोकलोर फिल्म को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जग देखा विनोनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन टी आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी की हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्त मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवास रेड्डी को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे फिल्म का जो टाइटल था था उसको मई में रिलीज किया गया था, बाहर पर रखा हुआ था अनवील किया गया था वहीं पर डायरेक्टर वशिष्ठ ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी है बिंबिसारा जो फिफ्टीन सेंचुरी बीसी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इस के फिल्म का जो बिमिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीज़ें वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहाँ पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग ंग से वो एम एम केवानी जी ने कंपोज किए हुए है जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छ गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास करवाया हुआ है पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कला नीतो ऊन चलो विजा हो बिमिस रेप सॉन्ग और गुलवा वाली करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छे गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहां से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म काल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मैं कौर किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने देंग रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो सोलिड नेगेटिव टच किरदार में उन्होंने डाला हुआ था वो परफेक्ट था उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो टॉप नॉच पे नजर आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहां पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ उसकी है उसकी काबिल तारीफ़ है एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से म्यूजिक की वजह से सीन्स एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे केत्रिन त्रेसा इस फिल्म में प्रिंसेस के रोल में दिखाई देंगे जिनका काम काफ़ी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहाँ पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेब्लिश किया हुआ था वो सुपअप था जिस तरह से बाद में सेकेंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट किए हुए किंग्स के लैंड के आसपास प्रजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिस और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म के विजुअल्स बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे वेफेक्स में भी काम बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म में आपको कई जगह पर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नजर आएगा

फिल्म की हर एक फ्रेम में नज़र आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन देखने को मिलते जो कैमरा वर्क था वो काफ़ी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए हैं और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सीक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें एंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पर फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी एक पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास्ट में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाय डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टब्लिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीजें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफेक्स का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और ड्रामा भी फिल्म का काफी बढ़िया नज़र आएगा साथ ही में कुछ जगह पर फिल्म का जो एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है माहौल वो भी अच्छा था ओवरऑल बिम्बी सारा एक वेल मेड फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसका वेकड्रॉप काफी ज्यादा सोलिड है साथ ही में इंटरटेनमेंट भी काफी भरपूर वे में मिलता है कल्याण राम ने करियर बेस्ड परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे विजुअल्स भी फिल्म में देखने को मिलते हैं जो उन सभी पेची सीन्स को आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से इस फिल्म में नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म तैयार होकर निकली है जिसे ज़रूर देखना चाहिए बिम्बी सारा फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में मेकर्स ने फैसला कैंसिल करते हुए फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर फिल्म का बजट चालीस करोड़ था और इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ पाँच अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पर बिम्बी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ साबित हुई थी और इस फिल्म को पे भी करीबन सात हजार वोट मिले हुए थे जिसमें की रेटिंग हासिल हुए थी दस में से और क्रिटिक्स रिस्पॉन्स के चलते धमाका मचाने में कामयाब रही थी इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी पांचों वर्जन के लिए फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजिटली बिल्कुल फ्री में विथिंग सब टाइटल देखने को मिलेगी जीफा के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन्स को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में में संकेत जी ने इस फिल्म कल्याण राम वॉइस ओवर किया हुआ है डबिंग फिल्म की अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जीफाइप के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो जी सिनेमा और जी सिनेमा चैनल के ऊपर बिम्बी सारा फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को ओ और सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे बिम्बी जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है डेब्यूडेंट डायरेक्टर मालिनी वसंत ने वशिष्ठ ने जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें मालिदी वशिष्ठ ने की हुई है डायलॉग से वो वासुदेव मुने ने लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कृष्णा के ने जिन्होंने इस फिल्म को एन टी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है और कल्याण राम के करियर की ये सबसे महंगी थी उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म यह साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी छोटा के नायडू ने की हुई थी एडिटिंग थम्मी राजू ने की हुई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर था वो एम एम केरवानी ने कंपोज़ किया हुआ था वहीं पर जो गाने वो चिरंतन भट्ट और एम एम जी ने मिलकर कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए अब हम बातचीत कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो हम स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में नंदमोरी कल्याण राम देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक किंग बिंबिसारा का रोल है दूसरा रोल है देवदत्ता का तो ये दो रोल उन्होंने प्ले किए हुए इसके अलावा बिम्बिसारा फिल्म में आपको वो कैथरिन त्रेशा प्रिंसेस ईरा के रोल में दिखाई देंगी संयुक्ता मेनन को विजयांती का रोल दिया गया था प्रकाश राज आपको विश्वनंदन वर्मा के रोल में दिखाई देंगे विवान भाटेना को सुब्रमण्य शास्त्री का रोल मिला था वेनेला किशोर ने प्रसदम का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी को जुबेरा का रोल दिया गया था ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में ब्रह्म का ब्रह्म कामलम का रोल प्ले किया हुआ है अयपापी शर्मा को केतु का रोल दिया गया था राजीव कनाकाला ने विश्वनंदन वर्मा के सेकंड सन का रोल प्ले किया हुआ था साई किरण को विश्वनंदन वर्मा के एल्डर सन का रोल दिया गया था वहीं पे पर तनिकला ने आपको पृष्ठ के रोल में दिखाई देंगे वयवा हर्षा को इस फिल्म में देवदत्ता के कॉम्पेट कॉम्पेनियन के रोल में दिखाया गया था वहीं पे भरत रेड्डी ने सुब्रमण्यम शास्त्री के फादर का रोल प्ले किया हुआ है चंपक चंद्रा चंदू और वरीना हुसैन आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे जहां पे वरीना हिस हुसैन ने गुले बाग वाली करके जो गाना था उसमें एज अ आइटम गर्ल के तौर पे काम किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी दो में एक कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि डेब्यूटी डायरेक्टर माली वसंत एक फिल्म को लेकर नंदा मोर्य कल्याण राम को राम को अप्रोच किया हुआ है और ये फिल्म कुछ हिस्ट्री फैंटेसी वाली फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग एन टी आर महाना के कड़ोपति खत्म होगी उसके बाद में की जाएगी जहाँ पे कल्याण राम को लेकर इस फिल्म में फैंटेसी और पोकलोर फिल्म्स को लेकर क्रिएट किया हुआ है इससे पहले तेलुगु सिनेमा में पाताल भैरवी जग देखा विनोनु कथा आदित्य थ्री सिक्स नाउम नाइन भैरवा दीपम और यमदोंगा जैसी कई फिल्में हैं जो एन टी आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाई गई थी लोगों ने पसंद भी की हुई थी इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली दो में लॉन्च किया गया था तब टेंटेटिव टाइटल एन के आर रखा हुआ था फिल्म का क्योंकि कल्याण राम की करीबन अट्ठारहवीं फिल्म थी एज ए लीड एक्टर के तौर पर वहीं पर कैथरीन त्रेसा संयुक्ता मेनन वेनेला किशोर और श्रीनिवासा रेड्डी को इस फिल्म फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार दिए गए थे का जो टाइटल था सारा, उसको मई में रिलीज़ किया गया था बाहर पर रखा हुआ था अनवील किया गया था वहीं पर डायरेक्टर वशिष्ठ ने कहा था कि इस फिल्म में जो कहानी वो बिब्बी सरा जो फिफ्टीन सेंचुरी बी के एक राजा थे उनकी ओरिजिनल कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है सिर्फ उनका जो किरदार है जो उनका एक एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसको ही हमने इस फिल्म के कैरेक्टर में डाला हुआ है इसमें फिल्म का जो बिमिस का किरदार है उसमें डाला हुआ है अदरवाइज जो चीजें वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में आपको काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको थोड़ी यूनिक नजर आएगी जहां पे स्टोरी है वो करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है जहां पे इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से बट दो पार्ट किए हुए थे लेकिन बाद में पता चला कि इस फिल्म को करीबन तीन से चार पार्ट में बनाया जाएगा जहां पे कल्याण राम का जो बिबी सारा का किरदार है वो प्रेजेंट पास्ट में भी जाता है यानी कि जो फिफ्टीन फिफ्थ सेंचुरी बीसी में उनका जो एक व्यक्तित्व है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा और वही किरदार को बाद में फ्यूचर यानी कि फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम पर लाया जाएगा तो ये कुछ टाइम ट्रैवल कौन से भी इसमें जोड़ा हुआ है तो इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फिल्म क्रिएट की हुई थी जिसकी प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड की वजह से फिल्म काफ़ी डिले हुई थी शूटिंग को बाद में मे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में रिज्यूम किया गया था और फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े सेट क्रिएट किए हुए थे एंसेंट किंगडम दिखाने के लिए रामाकृष्ण स्टूडियो हैदराबाद में काफ़ी बड़े सेट भव्य सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से नवंबर 2021 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और ंग से वो एम एम केरवानी जी ने कंपोज किए हुए जहाँ पे सॉन्ग में चिरंतन भट्ट ने भी काम किया हुआ है इस फिल्म में टोटल छः गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया हुआ है और अलग अलग सिंगर्स के पास गरवाया हुआ है जहाँ पे ईश्वर उडे ओ तेने पलुक्कला नीतो ऊन टे चलो विजय हो बिमिस रेप सॉन्ग और गुले बाघ वाले करके एक आइटम नंबर था तो ये टोटल छः गाने जो आपको फिलहाल में यूट्यूब पे ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेंगे वहाँ से एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो बिबिसारा फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से रुथलेस किंग बिम्बिसारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो तिरंगदला का एक किंगडम है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एविल दिखाया गया है उसका एक ही मोटो है कि वो किसी तरह से अपने हिसाब से पूरी दुनिया पर राज करे जहाँ पे जो लोगों के बीच में उसका कोई प्रेम भाव नहीं है उसको वो सभी चीज़ें पसंद नहीं है वो सिर्फ अपने में ही खुश है और उसको जो पसंद है वही करता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसके लाइफ के साथ जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट डे में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने है और वो ऐसी क्या कर्ज थी चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हुई है जिस और इस फिल्म में प्रजेंट और पास्ट का कनेक्शन क्या है और साथ ही में बिम्बिसारा किस तरह से वो सभी चीज़ों को हैंडल करेगा आखिर में बिम्बिसारा है कौन ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है डायरेक्टर वशिष्ठ ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने पेश की हुई थी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फैंटेसी मॉडर्न डे इमोशंस सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण डाला हुआ था उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और पूरी तरह से आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म कल्याण राम ने अपने करियर का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है उनका जिस तरह से मैं कौर किया हुआ था जिस तरह से एक मैंने सिंग रूथलेस किंग का उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था उनका जो नेगेटिव टच के दर में उन्होंने डाला हुआ था वो परफेक्ट था उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो टॉप नॉच नज़र आ रहे थे करियर में इस टाइप का रोल उन्होंने पहली बार डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे उनका अप्रोच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की था लेकिन उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को चूज किया उसके ऊपर जिस तरह से हंड्रेड परसेंट दिया हुआ उसकी है उसकी काबिलियत एम एम किरवानी जी एक बार फिर से इस फिल्म के साथ अपने म्यूजिक का एक डंका बजाते हुए नजर आते हैं उनका सॉलिड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी बेहतर वे में सपोर्ट कर रहा था साथ ही में जिस तरह से 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 म्यूजिक की वजह सीन सीन एलिवेट हो रहे थे वो सीन को और बेहतर बना रहे थे तरेसा इस फिल्म में में प्रिंसेस के रोल दिखाई केतल जिनका काम काफी बढ़िया है रोल डिसेंट था लेकिन उसमें उनका काम अच्छा नजर आता है इसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था जहां पे वो हमें ऑडियंस को अच्छा आसानी से एंटरटेन करने में कामयाब रहे थे फिल्म का फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी दिखाई हुई है जिस तरह से कहानी को स्टेबली जिस क्या हुआ था वो सुपप था जिस तरह से बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने इस फिल्म में काफी सारी चीजों को दिखाया हुआ है वो भी बढ़िया था लेकिन इस फिल्म में एक चीज अच्छी थी जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है टाइम ट्रैवल का उसमें उन्होंने लॉजिक दिखाने की कोशिश की हुई है तो वो सिचुएशनल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी और जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई हैं किंग्स के लैंड के आसपास प्रेजेंट डे में वो सभी चीज़ें बढ़िया थी एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया है सेकंड हाफ में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को स्टेब्लिश और हैंडल किया हुआ था इमोशनल जो कोटा होता है फिल्म का एक लड़की के साथ जिस तरह से किंग का एक बिहेवियर था उसमें जिस तरह से इमोशंस डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है वो आपको पसंद आएंगे फिल्म विजुअल्स बजट के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे थे रिच विजुअल्स थे काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेस हो जाती है। सोने सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है साथ ही प्रकाश राज भी अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर करने में कामयाब रहे इस फिल्म में दो हीरोइंस ली हुई है लेकिन हीरोइंस का उतना कुछ इस फिल्म में महत्व नहीं दिखाया हुआ है संयुक्ता मेहनन को सिर्फ इस फिल्म की कहानी को नेरेट करने के लिए ही लिया गया था सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है एक बार ट्विस्ट तो सा, चीज़ें स्लो नजर आने लगती है कल्याण राम के अलावा ड्रामा है और भी बेहतर वे में रिलेट कर पाता और जो प्रोसीडिंग है वो और बेहतर हो जाती इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से मेन विलन का किरदार दिखाया हुआ उसको काफी वीक दिखाया हुआ है उसको थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ दिखाना चाहिए था और बेहतर वे में टक्कर वाला दिखाना चाहिए था जिस वजह से चीजें और बेहतर हो जाती कल्याण राम ने इस प्रोजेक्ट पे काफी पैसा खर्च किया हुआ है लेकिन वो सभी चीजें आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आएगी जिस तरह से प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलते जो कैमरा वर्क था वो काफी शानदार था किंगडम जिस तरह से दिखाया वो अमेजिंग था फिल्म के गाने अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए हैं और फिल्म की कहानी में बढ़िया तरीके से इंसर्ट भी किए हुए थे फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए जहां पर कल्याण राम ने जिस तरह से उसको डिलीवर किया हुआ है उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म में आपको कॉस्ट्यूम जिस तरह से क्रिएट किए हुए जो डिज़ाइन किए गए वो आपको पसंद आएगी फिल्म के फाइट सिक्वेंस को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है इस फिल्म का जो वेफिक्स है बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया हुआ था स्क्रीन प्ले फिल्म का इंटरेस्टिंग था जहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट में फिल्म हमें एंटरटेन करती है हाँ कुछ एक जगह पे फिल्म थोड़ी बहुत डल नजर आने लगती है अदरवाइज बाकी फिल्म बढ़िया थी इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है वो काफ़ी शानदार है ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनकी एक पहली फिल्म है इसके साथ में फिल्म का जो स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी पकड़ थी टाइम ट्रैवल के साथ साथ जिस तरह से प्रेजेंट पास्ट में इमोशनल कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों का उन्होंने मिश्रण किया हुआ है उसमें उनकी मजबूती काफी बढ़िया नजर आ रही थी जिस तरह से फिल्म को डे बाय डे जिस तरह से फिल्म को उन्होंने इस्टबलिश किया हुआ है उसके बाद में एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट और वो सभी चीज़ें दिखाते हैं उसमें वो बढ़िया थे खास करके कल्याण राम के किरदार को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था फिल्म के ट्विस्ट अच्छे थे जिस तरह से वेफेक्स का यूज हुआ है वो बढ़िया है इमोशनल सीन्स और भी फिल्म का काफी बढ़िया नजर आएगा साथ ही में कुछ जगह अच्छा भी भी में, में कल्याम राम ने करियर बेस्ड परफॉर्मेंस दी हुई है फिल्म का नरेशन काफी ज्यादा क्रिपिंग है हाँ फिल्म में कुछ सेकंड हाफ में पेची सीन्स देखने को मिलते है लेकिन इसके अलावा इमोशंस एक्शन कॉमेडी अच्छे खासे भी फिल्म में देखने को मिलते है जो उन सभी को आसानी से ओवरलेप कर देते तो इस वजह से इस फिल्म में नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है, और और ये एक अच्छी फिल्म निकली है जिसे जरूर देखना चाहिए बिम्बी सारा फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में मेकर्स ने फैसला कैंसिल करते हुए फिल्म को सिर्फ तेलुगू वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पर फिल्म का बजट चालीस करोड़ था और इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ पांच अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म ने काफी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी खासी ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म को एक और फिल्म के साथ रिलीज किया गया था जिसका नाम था सीता रमम तेलुगु फिल्मों में पहले इस दो फिल्मों से पहले जितनी भी फिल्में आई हुई थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही थी लेकिन इन दोनों फिल्मों ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था और दोनों फिल्में डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पर बिम्बी सारा के जो राइट्स थे थिएट्रिकल वो करीबन पंद्रह करोड़ में बिके थे लेकिन उस पंद्रह करोड़ के राइट्स के सामने फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से करीबन सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डबल ब्लॉक साबित हुई थी और इस फिल्म को आईएमडी पे भी करीबन सात हजार वोट मिले हुए थे जिसमें छह पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाने में कामयाब रही थी इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट से वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी पांचों वर्जन के लिए फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजिटली बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी के ऊपर बिंबिसारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु वर्जन के अलावा बाकी सभी वर्जन्स को डब किया हुआ है हिंदी वर्जन में में संकेत महात्रे जी ने इस फिल्म कल्याण राम की अच्छी है आपको जरूर मजा आएगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जीफाइप के ऊपर बिंबिसारा फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे तेलुगु मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है इसी के साथ फिल्म के सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर फिल्म हिंदी वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप इस फिल्म को और सैटेलाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे तो बस गए इस बिंबिसारा फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पर कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग में बातचीत किए हुई है फिल्म के डीप रिव्यू में मैंने अलग अलग के ऊपर बातचीत करके दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू